हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल नवीन पहाड़ी ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं तो हमेशा की तरह बिल्कुल बढ़िया हूँ। दोस्तों, जैसा कि टाइम के साथ साथ भाई फैशन भी चेंज होता रहता है, तो भाई आजकल मीशो पे और रील्स वगैरह में भी कॉर्ड सेट्स काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडी हो रहे हैं और कंफर्टेबल भी होते हैं। तो मैंने चार ऐसे ऑर्डर कर लिए फटाफट से कॉर्ड सेट। मैंने सोचा आपको भी रिव्यू देती रहूँगी कौन सा अच्छा था कौन सा नहीं था। तो ये था फर्स्ट नंबर का 479 का कॉर्ड सेट, और मैंने सभी कॉर्ड सेट 600 की रेंज में लिए हैं, अंडर 600 में। तो ये है इसका बॉटम वियर और ये है अपर वियर, जो कि इसका लुक था थोड़ा हुडी टाइप का। तो मैंने सोचा कि यार पहले मैं इसे फटाफट से चेंज कर लेती हूँ, उसी के बाद मैं आपको इसका रिव्यू दे पाऊँगी कि ये अच्छा था या नहीं था। तो मैंने चुटकी बजाते इसे चेंज कर लिया और देखिए पहनने के बाद ही काफ़ी ज़्यादा प्यारा लग रहा था। इसका शेप काफ़ी अच्छा आ रखा था, कलर बहुत वाइट सुंदर था, इसका प्रिंट बहुत अच्छा था। तो ये भाई दिखने में तो मुझे मज़ा आ गया और आपको भी दिखने में लग रहा होगा कि काफ़ी अच्छा है। लेकिन गाइज इसमें प्रॉब्लम ये थी कि ये पॉलिस्टर का कपड़ा था और ये गर्मी के टाइम पे आप बिल्कुल भी नहीं ले सकते हो। सर्दी में आप पहन सकते हो लेकिन गर्मियों के अकॉर्डिंग नहीं है। तो मैंने बिना सोचे भाई इसको वापस कर दिया, मैंने रखा ही नहीं। और देखिए मैंने साथ में खरीदी थी एक पंजाबी जूती, ये 200 कुछ रुपए की पड़ी थी। तो ये बहुत सुंदर थी लेकिन इसमें साइज़ मेरे को छोटा आ गया, तो मैं इसे रिटर्न करके दूसरा बड़ा साइज़ लेने वाली हूँ। तो अब देखिए सेकेंड नंबर का 595 रुपये का ये था कॉर्ड सेट। ये है इसका लोअर पार्ट और ये है इसका अपर पार्ट। ये प्लेन मैंने ऑरेंज कलर का एकदम सिंपल सा लिया था। तो मैंने देखिए फटाफट से इसे कर लिया चेंज, और चेंज करने के बाद देख सकते हो आप कितना सुंदर लग रहा है ना। इन्हें आप बाहर पहन के इजीली जा सकते हो, जितने भी मैं आपको कॉर्ड सेट दिखा रही हूँ। तो भाई ये जिन लेडीज़ का बॉटम यानी सॉरी टमी जिनका बाहर रहता है ना ज़्यादा और फैट है, तो उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है, आप इसे पहन सकते हो आराम से, बहुत ही ज़्यादा कम्फर्टेबल था। तो मैंने इसे रख लिया और मैंने सोचा क्यों ना इसको मैं ट्रैवल करूँगी या कहीं घूमूंगी तो पहनूंगी। तो अब मैंने तीसरे नंबर का ये 409 का लिया था। भाई जब ये आया ना इतना प्यारा था, इसका कलर देखिए आप, येलो कलर था, मस्टर्ड ऑयल कलर, और भाई इतना कंफर्टेबल था और इसका प्रिंट बहुत सुंदर था। मैंने फटाफट से इसे कर लिया था चेंज और देखिए पहनने के बाद ही कितना सुंदर लग रहा है ना। इसका लुक भी बहुत प्यारा था और इसमें आप ना मतलब पतले लगोगे, मोटे नहीं लगोगे, और ये बहुत सुंदर था। तो इसमें पॉकेट भी थी साथ साथ में, और इसका पीछे थोड़ा कुर्ते जैसा लुक था और आगे से इसका टॉप जैसा लुक था, मतलब शर्ट वाला जो लुक होता है ना, तो इसमें मिक्सअप लुक था। तो बहुत ही सुंदर लग रहा था, इसको तो मैंने बिना सोचे समझे पिक कर लिया। और देखिए एक क्लैचर मेरे पे रखा था सेम इसी कलर का, बहुत अच्छा लग रहा था। तो ये था लास्ट 382 नंबर का, फोर्थ नंबर का मेरा कॉर्ड सेट, और ये है चेक शेड में, और ये इसका बॉटम है और ये अपर, देखिए कॉलर वाला कितना सुंदर लग रहा ना दिखने में। और जैसे मैंने इसे पहना ना, लेकिन तो मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हो गई, क्योंकि भाई ये छोटा साइज़ आया था, ये तो मेरे पे बहुत ज़्यादा टाइट हो रहा था। लेकिन मैंने लार्ज ऑर्डर किया था, लार्ज में भी छोटा पड़ रहा था, तो अपने साइज़ के अकॉर्डिंग एक साइज़ बड़ा ही लेना। और फिर मैंने इसे सोचा यार ये दिखने में मुझे ना कुछ खास नहीं लगा, तो मैंने इसको ना बिना सोचे वापस ही कर दिया। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना और बहुत सारे हार्ट वाले लाइक देना। बाय बाय।